अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो आपने जैसे कि टाइटल पे देख लिया, नो मेकअप मेकअप लुक के ऊपर है। ट्राइलॉन से, फेयर एंड लवली से मैं किस तरीके से एक नो मेकअप लुक जो है वो क्रिएट करने वाली हूँ, तो ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नो मेकअप मेकअप लुक में ज़रूरी नहीं है कि आप जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वही यूज़ करें, लेकिन सिर्फ मेरा मकसद आपके साथ टेक्निक शेयर करना है। आप ट्राइलॉन भी यूज़ कर सकते हैं, आप भी जो मैंने फाउंडेशन अभी आपको दिखाई है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फेयर एंड लवली की ये सन प्रोटेक्शन, यानी ये उसका सन ब्लॉक है। सन ब्लॉक को यूज़ करने का मकसद सिर्फ यही है कि ये टिंटेड सन ब्लॉक है, यानी कि इसके अंदर पिंक कलर का टिंट है जो कि हमारी स्किन को एक पिंक ग्लो भी प्रोवाइड करेगा, और साथ ही साथ हमारी जो स्किन है उस पर एक वाइटनिंग इफेक्ट भी आता है फेयर एंड लवली की प्रोडक्ट को यूज़ करने का। मुझे इसकी ज़्यादातर सन ब्लॉक पसंद है तो मैं उसको यूज़ करती हूँ। इसका एक और फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी स्किन पे ऑयल प्रोड्यूस नहीं होगा, या आपकी ऑयल को रोक कंट्रोल कर लेता है। तो पहले हम अपने फेस पे सबसे पहले जो है वो सन ब्लॉक को अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अपने फेस पे। और ये जो लुक है वो यंग गर्ल्स भी यूज़ कर सकती हैं। किसी की स्किन अगर मेरे को थोड़े बहुत डार्क स्पॉट्स हैं या डिसकलरेशन है वो भी यूज़ कर सकती हैं। हाँ, और यहाँ पे आज मैं आप लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन जिनके है उसके लिए जो है वो ये लुक किस तरह क्रिएट होती है वो भी शेयर करने वाली हूँ। अब हमने ये कर लिया, अब इसके बाद जो हमारे पास जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो है मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी फाउंडेशन। अब ये वैसे आप देख सकती हैं कि जो रिज़ल्ट है वो कितना अच्छा आया है कि हमारी जो स्किन है बड़ी स्मूथ सी हो गई है, एक पिंक सा टेंट भी स्किन पे आ गया है। अब देन स्टेप जो नेक्स्ट है वो हमारा है फाउंडेशन को अप्लाई करने का। मैं यहाँ पे ट्राइलॉन इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मोस्टली हर एक के पास होती है, तो इस फाउंडेशन के साथ नो मेकअप क्रिएट करना मेरे लिए एक चैलेंज था जो मैंने खुद को दिया। अब वैसे ये फेसिट की फाउंडेशन है मेरे पास, ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी फाउंडेशन इन द मीन सेंस के फुल कवरेज होनी चाहिए, ये बात होनी ज़रूरी है। तो चलिए हम फिर क्रायलॉन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए कि जो करना क्या है हमने, कि हमने इसको अपने फेस पे पहले अप्लाई कर लेना है, जो भी हमारी स्किन का कलर है वो कलर कर लेना है। मेरा जो है वो शेड आइवरी है तो मैं वही अप्लाई कर रही हूँ, और ये येलो टोन में है। अब इसके बाद जो आपके पास कोई भी लोशन है आप वो अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपके पास कोई ब्यूटी ऑयल है जैसे कि, या कोई सीरम है वो यूज़ कर सकती हैं। 24 गोल्ड सीरम भी चल रहे हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा मैंने आपके साथ मिराकी का ऑयल, यूनिकॉर्न ऑयल यूज़ किया था, वो भी यूज़ कर सकती हैं। उनके अंदर बल्कि जो ग्लो आ रही है वो मज़ीद आपकी स्किन को एक ग्लो प्रोवाइड कर सकती है। मैंने लोशन इसलिए यूज़ किया ताकि हर कोई इसको इजीली एक्सेस कर सकता है, यूज़ कर सकता है। अब आप देख सकती हैं कि आपको लग रहा है कि ये क्रायलॉन यूज़ हो रही है, कितनी ज़बरदस्त सी एक आपकी बेस रेडी हो गई है, और आपके फेस पे कुछ लग भी नहीं रहा कि लगाया हुआ है, और आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल स्मूथ हो गई है, डिसकलरेशन आपकी स्किन से दूर हो गई है। अब हमारा जो देखिए, ये मैं आपको अब शो करा रही हूँ कि उस हैंड पर कितना फ़र्क है, कि आपकी जो स्किन है वो कितनी बैलेंस, इक्वल्स और एक फ्लॉलेस सी स्किन जो है वो आपकी यहाँ पे लग रही है। ये यंग गर्ल्स जो हैं जिनकी स्किन पे कोई इतने नहीं पिगमेंटेशन होती, कोई सर्कल्स नहीं होते, कोई डार्क स्पॉट्स नहीं होते, उन सब गर्ल्स के लिए ये टेक्निक जो है वो है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हम यहाँ पे कॉम्पैक्ट करेंगे यूज़, और कॉम्पैक्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपकी जो बेस है उसको वो लॉक कर देगा, और इस तरीके से फिर आपकी मज़ीद फ्लॉलेस लगती है, और अब जो स्किन है उस पर ऑयल भी नहीं आता। अब यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि जो जिनकी स्किन ऑयली है वो लोशन की मिकदार को कम रखें, और जिनकी ड्राई है वो ज़रा ज़्यादा कर लें, ठीक है, इस बात का ध्यान रख लें। उसके बाद हम कोई भी ब्लश पैलेट ले लेंगे या ब्लश ले लेंगे, और इसके ऊपर आप जिस तरह का एक वो पिंक सा ग्लो आ रहा होता है वो ब्लश की क्वांटिटी इसमें हम थोड़ी सी ज़्यादा लगा लेंगे। इस तरीके से पूरे चीक्स पे अप्लाई कर लें आप, मैंने कुछ ज़्यादा ले लिया एक्साइटमेंट में इसको आप अच्छे से ब्लेंड कर दें। ज़्यादा लेने का मकसद आपको बताने का ये था कि ये फिर एक बहुत खूबसूरत सा पिंक, एक नेचुरल सा ग्लो आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप उसके बाद अपने नोज़ पर भी हल्का सा टच कर लें तो ये आपकी वही एक खूबसूरत सी मेकअप लुक, ग्लोई सी स्किन लगती है और बहुत खूबसूरत स्किन लगती है। देखिएगा आपको इस वक्त फ़र्क फील हो रहा होगा मेरे दोनों हैंड्स पे। तो ये तो था उन सब गर्ल्स के लिए जो कि जिनकी स्किन पे कोई पिगमेंटेशन नहीं है। मैंने आपसे कहा कि मैं पिगमेंटेशन वाली जो स्किन है उसका भी यहाँ पे बताऊँगी, तो उसकी खास इतना मुश्किल नहीं है। वो गर्ल्स समझती हैं कि शायद हम ये लुक क्रिएट नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए भी हमें करना ये होगा कि हम सबसे पहले जो है वो अपनी स्किन को उसी तरीके से
जो फेयर एंड लवली है उसके साथ हम उसको पहले प्रिपेयर कर लेंगे, ये कि ये जो सन ब्लॉक है वो लगा लेंगे ताकि हम सन प्रोटेक्शन कर सकें अपनी स्किन पे, और साथ ही साथ हमारी जो स्किन है वो ऑयल भी कंट्रोल करेगी। उसके बाद जो जिनकी पिगमेंटेशन है वो कोई भी किसी भी किस्म का ऑरेंज करेक्टर ले लें। मैंने ऑलरेडी क्राइलॉन के साथ भी करेक्टर बनाना बताया हुआ है, आप वो भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जाके मेरी वो क्राइलॉन वाली वीडियो जो है वो सर्च करें, देखें उसको, फिर आप ये उसी अपनी जो जहाँ पे आपके पिगमेंटेशन है वहाँ पे इसको अप्लाई करें। और मैं ये बात बता दूँ कि करेक्टर की मिकदार बहुत थोड़ी होनी चाहिए। आपने यहाँ देखा है कि मैंने कितनी थोड़ी सी यूज़ की है और मेरी वो स्किन वहाँ से करेक्ट हो गई है। देन हम क्या करेंगे कि हम वही फाउंडेशन जो भी आप है उसको आप अपने स्किन टोन के स्किन कलर के हिसाब से अपनी फाउंडेशन को उस पर अप्लाई करें। देन उसी तरीके से हम उसके ऊपर लोशन यूज़ करेंगे। लोशन थोड़ा सा ये मेरे से ज़्यादा निकल आया था, मैंने वही आपको बताया कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप थोड़ा सा देख लें कि आपकी स्किन किस टाइप की है, उस हिसाब से आप मिकदार को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसला मकसद बेसिक टेक्निक को शेयर करना है। अब यहाँ पे अच्छा ये अब देखिएगा, मैंने थोड़ी सी लोशन की मिकदार ज़्यादा की है तो थोड़ी सी कवरेज उस हैंड की निस्बत कम आई है। इसका ये मतलब नहीं है करेक्टर छुप गए हैं बिल्कुल हमारे। अगर हम यहाँ पे फाउंडेशन की मिकदार को थोड़ी सी ज़्यादा रख लेंगे तो कवरेज हमें थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाएगी। लेकिन लोशन मिक्स करने का मकसद बेसिकली ये है, मैं उसी तरह फिर उसके ऊपर कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ लोशन का यूज़ करेंगे, उससे जो आपकी वो जो बेस है ना वो एक जो हम स्टिक बेस को यूज़ कर रहे हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा पतली सी एक कंसिस्टेंसी बन जाती है, तो वो बेस बहुत केकी सी फील होती हमारी स्किन पे। तो ये वो सारा प्रोसीजर था जो कि मैंने आपके साथ शेयर करना था। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को, लाइक कीजिएगा, मुझे इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरे चैनल को जो नए आने वाले लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं मिलती हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।